गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल पवन पुत्र श्री हनुमान जी की जय। और आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे शहर में जो जयपुर से सिर्फ कुछ घंटे की दूरी पर है और इस शहर का नाम है अजमेर। तो थोड़ा सा आपको अजमेर के बारे में बता दूं, लेकिन उससे पहले अभी सुबह के बजे हैं 6 और हम 400 किलोमीटर की राइड पे निकल चुके हैं। और जैसा मैंने बताया कि मैं जा रहा हूँ अजमेर, और अभी जहाँ मैं हूँ वो है गुड़गांव फरीदाबाद रोड। तो अजमेर के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जी हाँ, बात करते हैं 1193 की। ये वो टाइम था जब पृथ्वीराज चौहान जी का मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पृथ्वीराज चौहान जी वो युद्ध हार गए थे। और उसी के बाद अजमेर जो शहर था बड़ा इम्पोर्टेंट शहर बन गया था मोहम्मद गौरी के लिए। एक चीज़ और जिसके लिए अजमेर काफ़ी फेमस है, और वो संत हैं ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती, राइट, जिनके लिए ये शहर बहुत फेमस है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी दरगाह है जिसको देखने के लिए सिर्फ ना कि इंडिया से बट पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो आज हम अराउंड 7-8 बजे उससे पहले अगर जल्दी से पहुंच गए तो वो दरगाह भी जाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जी हाँ, रूट की अभी बात करें तो मैं फरीदाबाद से गुड़गांव जा रहा हूँ, और गुड़गांव से मैं पकड़ूंगा दिल्ली जयपुर रोड, क्योंकि जो मेन नया एक्सप्रेसवे बना है दिल्ली मुंबई का, उस पर बाइक्स अलाउड नहीं है, तो हम पुराने रूट से ही जाएंगे। तो अभी जो है मैं जयपुर पहुंचा हूं, और यहां से अजमेर अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता है, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने यहां पे। जो जगह है इसका नाम है होटल हाईवे किंग। मैंने अभी खाना ख़त्म कर लिया है, खाना काफ़ी डिलीशियस था। तो अगर आप यहां से निकल रहे हैं तो यहां पे रुक सकते हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव फीडबैक था, 5 जो है मैं 4 इसको दूंगा, और काफ़ी अच्छा ओवरऑल एम्बियंस है इसके अंदर। और अगर आप थोड़ी सर्दी में आ रहे हैं तो बाहर भी जो है काफ़ी अच्छा सिटिंग का अरेंजमेंट है। और इस तरफ अगर देखें तो इनके 2 इंडोर रेस्टोरेंट्स भी हैं जो एयर कंडीशन है, एक इस तरफ है और दूसरा अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे की तरफ है। जैसा मैंने कहा, सर्दी में आ रहे हैं तो इस तरफ आप ओपन में भी बैठ सकते हैं और धूप का मज़ा ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अब मैं निकलूँगा और सीधा जो है नेक्स्ट हॉल्ट जो है अजमेर करेंगे। तो देखिए, गुड़गांव से लेकर अगर जयपुर तक की रोड मेरे को जो भी मिली है, मैं उसको 5 में से सिर्फ 2 नंबर दूंगा, क्योंकि काफ़ी पॉट होल्स हैं, कहीं भी पॉट होल आ जाता है। लेकिन अगर बात करें जयपुर से लेकर अजमेर तक की, तो रोड ओवरऑल अच्छी है, काफ़ी डाइवर्शंस हैं, क्योंकि पुल बन रहे हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो जी हाँ, अब मैं पहुंच चुका हूं अजमेर शहर के अंदर। 10 मिनट हुए हैं मुझे राइड करते हुए शहर के अंदर, लेकिन जो पहली परसेप्शन है वो ये है कि सफाई ओवरऑल मुझे अभी तक मिली है, कोई बहुत गंदगी तो नहीं मिली है मुझे। लेकिन अभी जो हमने सबसे पहली चीज़ करनी है, एक अच्छा सा, या अच्छा सा नहीं, ठीक सा होटल कहूँगा, ढूंढना है, और क्योंकि आज हम एक नाइट स्टे करेंगे और कल वापस जाएंगे। तो फाइनली मैं इस होटल में रुक रहा हूँ, इसका नाम है आर्या शेरटन, और बाइक पार्क कर दी है। नीचे इनका भी अगर देखें तो बेसमेंट में भी पार्किंग है, बट वो भी बन रही है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इसके अंदर भी पार्क करूँगा कि नहीं, लेकिन यहाँ भी एक्चुअली सेफ ही लग रही है। और बगल में इनका एकदम रेस्टोरेंट भी है, तो भी मैं फ्रेश होऊंगा अपने रूम में जाके, और उसके बाद फिर देखते हैं कि पुष्कर जाएंगे और उसके बाद फिर दरगाह जाएंगे। तो अभी जो मैं अपने होटल से निकला हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैं एक ऑटो में बैठा हूँ, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ दरगाह शरीफ, राइट, जो पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह कही जाती है। होटल से दरगाह जाने के 2 तरीके थे, एक था ग्रुप ऑटो ले लूँ, ग्रुप ऑटो में दिक्कत क्या थी, जहाँ वो ड्रॉप करता वहाँ से 1.5 किलोमीटर शायद पैदल चलना पड़ता, इसीलिए मैंने एक इंडिविजुअल ऑटो लिया है। 80 रुपीज़ में से लेंगे ऑटो वाले जो सर हैं, और दरगाह के एकदम पास छोड़ देंगे, और वहाँ से शायद मुझे थोड़ा सा चलना पड़े। तो मैं आपसे दोबारा जुड़ता हूँ दरगाह शरीफ पहुँच के। सो अभी जो है मैं दिल्ली गेट में हूँ, और ये गेट जो है यहाँ से रास्ता है दरगाह का, यहाँ से तकरीबन 150-200 मीटर चलना पड़ता है, जैसे मैंने पहले बताया, और काफ़ी रश है। और इस तरफ देखेंगे तो काफ़ी बड़ा बाजार है, और काफ़ी अच्छे मुस्लिम रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ बड़ा
डिलीशियस खाना टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है इस गेट से अंदर जा रहा हूँ और फिर दरगाह के दर्शन करूँगा। और जैसे ही गेट के अंदर मैं आया, आप देख सकते हैं काफ़ी रश है और दोनों तरफ दुकानें हैं, काफ़ी कपड़ों की, सब चीज़ों की काफ़ी दुकानें हैं और काफ़ी रश है। अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर ऑटोस को क्यों नहीं आने देते, क्योंकि जगह नहीं है, सिर्फ चलने की जगह मुश्किल से मुझे नज़र आ रही है। यहाँ से बैरिकेटिंग करी गई है, यानी यहाँ से अंदर ऑटो वगैरह नहीं जा सकते और यहाँ से आप रश देख सकते हैं और दोनों तरफ शॉप्स हैं। जी हाँ, अभी मैंने माथा टेक के बाहर आया हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने अंदर कुछ क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि अंदर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, कई लोग खींच रहे थे, लेकिन देखिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ रूल्स बने हैं तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने अंदर कोई फोटोग्राफी नहीं करी। लेकिन एक चीज़ कह सकता हूँ कि अंदर एक रूहानी शक्ति ज़रूर है जो कैमरे में कैद नहीं करी जा सकती। अगर आपने उसको फील करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे दर्शन करने पड़ेंगे, तभी आप उस रूहानी शक्ति और यहाँ उस रूहानी ताकत को आप समझ सकते हैं। सो अजमेर शरीफ के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ पुष्कर। अब आप सोच रहे होंगे पुष्कर किस चीज़ के लिए मशहूर है। पुष्कर में एक चीज़ ऐसी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है और वो है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो पूरी दुनिया में एक है। तो अभी मैं उस बाज़ार से निकल रहा हूँ जो मुझे सीधा ब्रह्मा जी के मंदिर लेके जाएगा। और ये बाज़ार जो है आप देखेंगे इसमें काफ़ी बड़ी ही एंटीक चीज़ें मिलती हैं। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स काफ़ी आपको मिल जाएंगी। एक और चीज़ है जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जो आप लेफ्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे राजपूताना में कहा जाता है वेपन्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप यहाँ काफ़ी वेपन्स ले सकते हैं, तलवार है, चाकू है, जो बड़े एंटीक से हैं, इनको लीगली आप ले जा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें धार लगी होगी तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बट लेकिन हाँ, एक बार ये आप देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा जो है राजस्थानी खाना जो आपको ब्रह्मा जी के टेंपल के पास मिलेगा, अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर टेस्ट करिएगा। आप जैसे देख सकते हैं एकदम ऑथेंटिक तरह से लकड़ी की आँच पे ये रोटियाँ बन रही हैं और इनका लुत्फ़ अलग ही है। तो ये था यहाँ का थोड़ा बहुत खाना कैसे मिलता है उस बाज़ार में। और अब यहाँ से मैं निकलूँगा मंदिर की तरफ। अभी जो मैं दर्शन करके बाहर आया हूँ और आपको जानकर ये बड़ा अचंभा होगा कि मंदिर जो है 500 नहीं, 1000 नहीं, 1300 साल पुराना है। ऑफकोर्स रेनोवेट होता रहा है, लेकिन जो इसकी नींव है वो 1300 साल पुरानी है। आप सोच रहे होंगे इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ। जी हाँ, इस टाइम मैं एक कह सकते हैं कि एक पहाड़ी के ऊपर हूँ। ये पहाड़ी जो है पुष्कर और अजमेर के बीच में है। और इस जगह की बात मेन स्पेशलिटी ये है कि ये पुष्कर में है, लेकिन पूरा इस पॉइंट से आपको पूरा अजमेर शहर दिखता है। पीछे जैसे आप देख सकते हैं पूरा अजमेर शहर आपको यहाँ पे दिख सकता है। और पीछे इस टाइम रात हो गई है तो आपको दिखेगा नहीं, एक लेक भी है जो भी पूरी आपको दिख सकती है। तो इसलिए अगर आप अजमेर से पुष्कर जा रहे हैं तो प्लीज़ इस पॉइंट पे रुक सकते हैं और नज़ारा जो है, व्यू जो है, आप प्लीज़ इसको मिस मत करिए अगर आप पुष्कर आ रहे हैं अजमेर से। I'm not the one who's running out of time.